गणतंत्र दिवस के मात्र चार दिन पहले सांबा सेक्टर से खेतों में से एक पाकिस्तानी झंडा मिला, जिस पर चार फोन नंबर भी लिखे हुए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उस पाकिस्तानी झंडे को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं लोगों से भी पूछताछ जारी है। हालांकि उस पाकिस्तानी झंडे का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वह झंडा कहां से आया था और किसने लाया। पाकिस्तान इस तरीके की पहले भी नापाक हरकतें कर चुका है। यशपाल सिंह, पंच घुगवाल पंचायत, वार्ड नंबर 9। जब मैं शाम को यहाँ पे 5 बजे जब 4:45 आया तो मैंने यहाँ देखा एक पाकिस्तानी झंडा मेरी फैंसी की तार के साथ लटका हुआ था। तो उसमें कोई 4-5 गुब्बारे थे जिनमें मुझे लगता है कि गैस भरी थी। तो उस पे 4 व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान के थे जो मैंने ऑब्ज़र्व किए। तो मैंने उन नंबरों पे कोई फ़ोन नहीं किया कि इसलिए कि शायद ये गड़बड़ हो जाएगी। सुबह इकट्ठे होकर गांव वाले आए तो उन्होंने पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे झंडा पड़ा है पाकिस्तान का, जिस पे पाकिस्तान के 4 व्हाट्सएप नंबर हैं। पुलिस आई तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया और बाद में वो झंडा लेके तो अपने हेडक्वार्टर में चला गया। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से, जैसे अभी 4 दिन के बाद हमारी 26 जनवरी है, ये वही कोई मिलिटेंसी साजिश नज़र आ रही है मुझे कि वो कोई बड़ा काम करने वाले थे। हमारा जो भी नेशनल फेस्टिवल आता है तो उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि ऐसे काम किए जाएं ताकि हमारे देश की जो शांति है उसको भंग किया जाए। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट अर्जन सिंह, गाँव रघु चक, वार्ड नंबर 9। ये हमेशा पाकिस्तान के, जब जैसे हमारी 26 जनवरी परेड है या कुछ भी है तो पाकिस्तान के यही मसूदे रहते हैं कि हिंदुस्तान को चैन से ना रहने दें। और ये जो व्हाट्सएप नंबर 4 आए हैं ये हमारे युवाओं को फंसा सकते हैं। अगर कोई बंदा कोई लालच देगा कि 50 लाख हम आपको देते हैं, कोई गलती से भी युवा लड़का या कोई और भी शख्स या लेडीज़ भी हो सकती है, इसमें कोई भी पैसे के लालच में आ सकता हो। किसी को भी ऐसा कोई चिन्ह दिखाई दे तो उसको हल्के में ना ले, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रशासन को, जैसे हमारे टुप्याल चौकी से एसआई साहब आए थे, ये फेंसिंग हुई है तो इनका कोई भी मतलब चारा नहीं चल रहा है। ये कुछ मतलब कभी ड्रोन से, कभी सुरंग बना के, कभी इनसे जो ये गुब्बारा है जो गैस वाले, इनसे कुछ मतलब भेज कर, कुछ तो कुछ मैसेज देकर, कुछ तो कुछ हमारे जवानों को या हमारे जो युवा पीढ़ी को उनको बर्बाद करने के। ये गुब्बारा टाइप है, जैसे गैस वाला गुब्बारा टाइप है, तो उसमें 4 व्हाट्सएप नंबर थे। तो ये आज हमने देखा और प्रशासन से भी पुलिस आई थी और वो उसको ले गए हैं, आगे इसकी जांच चलेगी। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं, यहां कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचनवेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन, सूट एंड साड़ी और भी कई आकर्षक स्टाइल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाएं।
इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर गोल्ड मार्केट गांधीनगर जम्मू, टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।